हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी रसोई कंचन किरण किचन में। आज हम लेकर आए हैं बेल का शरबत दो तरीके से, बेल की लस्सी और बेल का शरबत। बेल का शरबत हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं बेल का शरबत। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं बेल का शरबत। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बेल, जैसा कि आप देख सकते हो। बेल का सेवन यदि किया जाए तो पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। गर्मी में यह शरबत हमारे शरीर को ठंडक तो प्रदान करती ही है। बेल को हम लोहे की मुसल या फिर बेलन से फोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बेलन से इसे फोड़ लिया है, और इसे फोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे निकले हैं। अब इसका सारा गुद्दा निकाल लेंगे, मतलब इसका जो बीच का जो मटेरियल है उसे निकाल लेंगे एक बर्तन में, और उसमें पानी डालकर इसे मैश कर लेंगे। वो प्रोसेस मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि लगता है कि वो वीडियो डिलीट हो गई है। इसके बाद छलनी में डालकर इसे छानकर बीज को अलग कर लेंगे और रेसे को अलग कर लेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं बेल की लस्सी। बेल की लस्सी बनाने के लिए मिक्सर जार लिया है यहाँ पर मैंने, और उसमें आधा कप दही डाला है। आधा कप दही ले लेंगे, ये घर की जमी हुई दही है, और इसमें डेढ़ कप बेल का पल्प लेंगे। बेल का पल्प इसमें डाल देंगे, और इसमें दो टेबल स्पून फिर इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर मिश्री या गुड़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसे मैंने फिर ग्राइंड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्राइंड करके रख लिया है। अब इसे हम एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यह लस्सी पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी तो है ही, साथ ही आप इसे में काजू, पिस्ता, बादाम और टूटी फ्रूटी से भी सजाकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरी लस्सी तैयार है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी सर्विंग कर सकते हो। बेल की लस्सी तो तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग नॉर्मल बेल का शरबत तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास लेंगे, और उसमें बेल का शरबत डालकर उसमें जीरा मिलाएंगे हाफ टी स्पून, और फिर इसमें काला नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। आप यहाँ पर चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो, अगर मीठा पीना हो तो इसमें चीनी डालें, और अगर आपको नमकीन पीना हो तो इसमें जीरा, काली मिर्च भी आप डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है, और इसमें काला नमक तो डालना ही है। काला नमक की क्वांटिटी आप अपने स्वादानुसार इसमें डाल सकते हो, और इसमें पुदीना और नींबू भी डाल सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है बेल का शरबत और बेल का लस्सी। एक बार मेरे तरीके से आप बेल का लस्सी बनाकर देखें। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।